हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर मिसेज उपाध्याय ब्लॉग्स पर। तो जो है हमारा सुबह का काम शुरू हो चुका है। जो टाइम हो रहा है वो 9 बज रहे हैं। भैया जा चुका है जॉब पर और पापा जी जो है वे तैयारी कर रहे हैं जाने की जॉब पर। मम्मी जी ने जो है भैया को सुबह लंच बनाकर दे दिया था और वर्षा में काम कर रहे हैं सुबह का। मैं पोछा लगा रही थी तो वर्षा जो थोड़ी साफ़ सफाई कर रही थी और पापा जी जो है अपना कुछ काम कर रहे थे। तो मम्मी नहा धोकर जो मंदिर चली गई थी क्योंकि आज बृहस्पति था। तो मम्मी जो है विष्णु भगवान जी की पूजा करती है तो इसलिए मंदिर चली गई थी। और मैं अब कर रही हूँ जो न्यूज़पेपर होता है उससे जो शीशे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि इससे ना बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो जाते हैं शीशे और कुछ भी गंदगी नहीं रहती। तो इससे मैंने आज शीशे साफ़ किए अपने गेट के और गेट भी साफ़ किए। इससे बहुत ही अच्छी सफाई हो जाती है। न्यूज़पेपर से पहले मैंने न्यूज़पेपर गीला करके उसे साफ़ किए, फिर मैंने जो सूखा न्यूज़पेपर रहता है उसे साफ़ किए। बहुत ही अच्छी तरीके से साफ़ हो गए थे सारे के सारे गेट। तो फ्रेंड्स, कल मम्मी और मैं और वर्षा कल मार्केट गए थे और तो मैं कुछ वहां से खरीद कर लेके आई हूँ। मम्मी जी जो है उन्होंने मुझे कुछ दिलवाया है तो वो आपको मैं दिखाती हूँ। अपनी तरफ से दिलवाई है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही देखिए। मम्मी जी ने जो मुझे साड़ी दिलवाई है ये तो आपको बाहर पेटीकोट नजर आ रहा है, अभी मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। तो मम्मी ने जो मुझे साड़ी दिलवाई बहुत ही प्यारी साड़ी है, मेरी पसंद ही करवाई है मम्मी ने। ये है साड़ी जो मम्मी ने मुझे दिलवाई है। जो ये है इसका, ये इसका है पल्लू है, ये इसका ये पल्लू पे जो चारों तरफ तरीके से जो है बॉर्डर बन रहा है और इस पूरी साड़ी में ये गोटा लगा हुआ है, पूरी साड़ी में लगा हुआ है गोटा। और जो इसका ब्लाउज है वो भी दिखाती हूँ, कॉन्ट्रास्ट में इसका जो है ब्लाउज है रेड कलर में, ये देखिए ये इसका ब्लाउज। थोड़ा ब्लाउज का हल्का कपड़ा है पर कोई नहीं चल जाएगा। और इस पर इसकी जो ब्लाउज है, इसकी ब्लाउज पर जो है यहाँ पे आगे पर पूरी कढ़ाई हो रही है ब्लाउज पर, देखिए। और इसकी जो स्लीव है यहाँ पर स्लीव पर भी शायद स्लीव, हाँ स्लीव, इसकी स्लीव पर है यहाँ पर ये डिजाइन बना हुआ है दोनों स्लीव पर। और बैक से है जो ब्लाउज वो प्लेन है। और ये देखिए पूरी साड़ी पर गोटा लगा हुआ है, गोटा तो लगा हुआ नहीं पर गोटे जैसे इसमें वो मतलब धागा है बहुत ही बारीक बारीक। तो ये देखिए, कमेंट करके बताना कि आपको जो ये साड़ी है कैसी लगी। अब जब मैं जाऊंगी यही साड़ी पहन कर जाऊंगी तो कमेंट करके बताना कि आपको मेरी जो साड़ी है कैसी लगी। और जो ये वाला बॉर्डर है पूरे में बॉर्डर है ये पूरी साड़ी में नीचे नीचे। और मम्मी ने जो है मेरी पसंद करवाई साड़ी, मुझे बहुत ही पसंद आई। वहां पर हर वैरायटी में थी साड़ी और अलग अलग डिजाइन भी आ रहे थे। और जो आजकल जयपुरी साड़ी भी चल रही है, रफल में भी फ्रिल में जो है वो भी साड़ी चल रही है। तो मम्मी कह रही थी तुझे जो उनकी पसंद तू वो ले ले। तो उन सारी साड़ियों में से जो मुझे ये वाली साड़ी जो बहुत ज्यादा पसंद आई, क्योंकि आजकल ये मैंने साड़ी किसी को देख भी नहीं पहने हुए और तो कुछ यूनिक डिजाइन है ये, इसलिए ये मैंने ये वाली साड़ी का एक डिजाइन लिया है। मुझे बहुत अच्छी लगी और आप सब भी कमेंट करके बताना कि आपको ये साड़ी है कैसी लगी। देखिए अब मम्मी और पापा जी का जो प्लान है वो है, हाँ। यहाँ पर टीका लग रहा है कोरोना का और तुम वहां पर जाएंगे। देखिए पापा जी जो है रेडी हो चुके हैं जाने के लिए, मास्क लगा लिया पापा जी। 40 से ऊपर एज के जो लोग हैं उनके कोरोना की जो है वैक्सीन लगने लग रही है। तो पापा जी और मम्मी जाएंगे अब लगाने के लिए। हमारे यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है वहां पर ही सरकारी अस्पताल है रेलवे का, तो हमारे यहाँ पर वहां पर लग रहे हैं।
जो भी कोई आप सांप लेके हो तो वहाँ पर आके लगवा सकते हैं। वैसे किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब जाइए और लगवा के आइए, जरूर फायदा है इसमें लगवाने का। आप सब जाइए और लगवा के आइए। और मम्मी पापा जा रहे हैं, हमारे गली में ना काफी लोग जो है वे लगवा के आ गए हैं कोरोना की वैक्सीन इसलिए। और ज्यादातर अब मम्मी और पापा जाएंगे, आधार कार्ड लेके जाएंगे पापा जी और मम्मी। पापा तो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। वहां पे बोलूंगी मुजफ्फरनगर मम्मी पापा जी को के लगवा के आइए आधार कार्ड ले लिया मम्मी ने आधार कार्ड। और ये किट्टू तो देखिए, और आज मैंने जो है पूरे घर की सफाई की, गेट वगैरह सब साफ किया आज मैंने, और बस फ्रिज साफ करने रहा। मैं सोचा क्यों फिर तो मैं चली जाऊंगी अपने ससुराल, इससे पहले क्यों ना घर की जो है थोड़ी सफाई करके जाए। दोनों सेम सेम मास्क लगा के जाओगे, मम्मी ने और पापा ने सेम मास्क लिया। राम राम जी बड़ो को, राम राम छोटो को प्यार, और हम चले अब कोरोना का टीका लगवाएं। आजकल तो पहले तो मम्मी छोटे से थे जब वो क्या नाम टीका लगवा देते, अब बड़े होकर भी टीका लगवाने की जरूरत पड़ गई है। ये देखे और इसकी तो शैतानी नहीं खत्म हो रही बिल्कुल भी। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हाँ लगा के जाओ। वैसे टाइम लगेगा आपको, वहाँ पे भीड़ हो रही होगी ना, आप थोड़ा दूर दूर को बैठी हो। बाय बाय। अब मम्मी और पापा तो गए हैं टीका लगवाने के लिए कोरोना का। आप सब भी जाइए और अपने पास के अस्पताल में जहाँ पर भी टीका लग रहा हो, अपनी मम्मी पापा को और जितने भी आप उन्हें भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी और पापा जी आ गए हैं कोरोना की जो वैक्सीन लगवा कर। ये देखिए, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? भाई बहुत अच्छा, कुछ भी पता नहीं लगता, बल्कि इंजेक्शन लगवाने में ज्यादा दुख लगता है, इसमें कुछ नहीं पता लग रहा। और कोई दिक्कत हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है, सब लगवाओ, कोई दुख कोई परेशानी नहीं है, कोरोना का दूर भगाओ। ये मम्मी को जो एक कार्ड मिला है, ये कार्ड इसलिए दिया जा रहा है, अगले महीने एक टिक्का और लगेगा, वो 6 तारीख को लगेगा, इस वजह से कार्ड दिया जा रहा है एंट्री के लिए। और आधार कार्ड जो है आपको लेके जाना है, मम्मी भी गई थी और पापा जी दोनों गए थे करवाने के लिए। आप भी जाइए और जल्दी से आपकी अपनी नजदीक के जो भी आपका जहाँ पर भी लग रहा है स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ पर जाइए और अपना जो है इंजेक्शन है जो लगवा के, कोरोना वैक्सीन है जो लगवा के आइए। देखो मैं तो काफी डरी हुई थी, मैं पता नहीं कितना दुख लगेगा, इसलिए मैं कई दिन से इंजेक्शन लग रहे थे, सब बोल रही थी मेरी पड़ोसन मुझे कि इंजेक्शन लगवा कर चल साथ में जाकर। मैं कहा नहीं, मैं उनकी साथ ही जाऊंगी, आज इसी वजह से मैं इनके साथ गई हूँ। उनकी साथ मतलब पापा जी के साथ समझ गए। तो कोई ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है, आप सब भी लगवाओ। लगा पे लगा पे लाल लाल हो गया, जरा सा भी पता नहीं लगा कुछ भी। देख रही हूँ ये, मैं दही जमा रही हूँ। अच्छा तू भी ये ट्रिक अपनाना इसमें ना, मैंने पहले थोड़ा सा जामुन दिया। अच्छा अब ये मिर्च की डांठल है, इसमें डाल दूंगी और शाम को देखे कितनी अच्छी तरह दही जमेगी, बहुत अच्छी दही जमेगी। सही है, मतलब खाना बना दे, चलो खाना खा लो सब, मैंने तो खा लिया, फिर तू भी खाएंगे। ये 2 दिन रह गए आज का कल का, तो मैं 2 दिन तो साथ खाना खा। ये बात तो आज का कल का ही रह गया, परसों को तो मैं बोल जाऊंगी। मैं फिर कब आऊंगी मम्मी जी? मैं फिर जब तेरा मन करे तब आ जाना। भैया के जन्मदिन पाऊंगी फिर तो मैं, 11 जून को है भैया का बर्थडे, तो तब आऊंगी मैं। उससे पहले तो तेरा चक्कर लगता है। हाँ उससे पहले तो मैं कई बार आऊंगी वैसे। कब जाएगी पर मैं आऊंगी, मैं सोच रही हूँ भैया का जन्मदिन आने वाला है 11 जून को है उसका बर्थडे, तो तब आऊंगी मैं। अगर उससे पहले मौका मिल गई उन्होंने बुलाया तो जरूर आऊंगी मैं, पता नहीं बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, अब तो मैं दूसरों के हाथ में हूँ। भाई एक लड़की का बताओ अपने मायके में आने का हक नहीं होता क्या? नहीं होता है, पर बुलाने का क्या हो है पर आने बहन ज्यादा ना तब पड़ते जब अपने घर वाले खुद बुलाए। नहीं अभी नई नई बात है, इसलिए भाई माँ को तो लेने के लिए भेजना ही पड़ता है भाई को या उसके पापा जाएंगे। भाई तो बहुत ही कम लेने जाता है, वो भी इसलिए क्योंकि उसकी प्राइवेट जॉब है इसलिए सिर्फ, और ज्यादातर छुट्टी नहीं कर पाता, छुट्टी करेगा तो फिर घर कैसे चलेगा ये बताओ। उसने मेरी शादी में छुट्टी इतनी ले ली थी तो इसलिए आप जो उसकी भी फैमिली होने वाली थी उनको होगी तो जल्दी कर देंगे उसकी फैमिली भी, हम लड़की मिलते शायद शादी कर देंगे। फ्रेंड्स जो हमने तो शुरुआत कर दी है, आप सब भी जाइए और शुरुआत कीजिए नए अभियान की जो ये चला है कोरोना वैक्सीन का, आप भी सब जाइए और शुरुआत कीजिए। और आपको मेरी साड़ी है जो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये देखिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग है जो कैसा लगा।
और ध्यान रखेगा अपना। बाय बाय।